At GLE University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLE University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजभर को नसीहत देते हुए उनके बेटे को जो वोट मिले हैं वो बीजेपी के वोट हैं। ओपी राजभर ने समाज के लोगों को दूर गए इस पर विचार करने को कहा है। राजभर ने खुद को अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। जहूराबाद से निर्दलीय प्रत्याशी लीला यादव को 45,000 वोट मिले। उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी 15,000 वोटों से हार गए। ये बहुत ईमानदारी के साथ हम भाजपा के लोग उनको हम लोग लेके आए गठबंधन में। हम लोग साथ चलना चाहते हैं, मन को साफ रखें। और कुछ भी कहने से पहले मैं फिर कहूँगा कि जरूर सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, हम किसको लक्षित कर रहे हैं। हालांकि बाद में उनका खंडन आया तो जल्दी बात को वो समझ गए, इस बात के लिए मैं उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। अब ये वो कह सकते हैं, उनके इस बात पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ठीक से बातों को समझना चाहिए। जनता का जो जनादेश है। कानपुर में ईद उल अज़हा यानी बकरीद का पर्व 17 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी मुस्लिम वर्ग के लोगों को त्यौहार मनाना होगा। इसी के अनुपालन को लेकर कानपुर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ बैठक की और डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने भी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी ईदगाह बाजारिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार कुशलतापूर्वक व शांतिपूर्वक निपटे, इसके लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है और बड़ी ईद की कमेटी को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद पर्व को दृष्टिगत रखते हुए इंतजामिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ आज ईदगाह का व आसपास के परिसर का पूरा पुलिस जो है के साथ में भ्रमण किया गया, जिसमें हमारे SHO बजरिया और हमारे पूरे इंतजामिया कमेटी के सभी जो पदाधिकारी गण हैं के साथ देखा गया। मेरा नाम शारिक नवाब है। मैं खादिम बड़ी ईदगाह की जानिब से एक अपील करना चाहता हूं अपने मुसलमानों ने कानपुर से कि भाई ईद उल अज़हा के मौके पे जो कुर्बानी के ताल्लुक़ से अपीलें की जा रही हैं, वही बड़ी ईदगाह बेना जावर की तरफ से एक अपील ये की जाती है मुसलमानों ने कानपुर से कि जहां भी कुर्बानी कराएं कवर्ड एरिया में कराएं और उसके जो अवशेष होते सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत एक कार व ट्रैक्टर ट्राली में जबरदस्त भिड़त हो गई। भिड़त इतनी जबरदस्त हुई कि कार के परखचे उड़ गए। बताया जा रहा है छजपुरा चौक पर बीती रात लकड़ी के गुटकों से भरी ट्रैक्टर ट्राली कार के आगे चल रही थी। ट्राली पर कोई भी रिफ्लेक्टर व लाल कपड़ा नहीं बंधा हुआ था। रात के अंधेरे के होने की वजह से कार ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से टकरा गई, जिसके कारण जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 युवक घायल हो गए,
जिनको थाना जनकपुरी पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना जनकपुरी प्रभारी अमरपाल शर्मा ने बताया कि घायलों को रात में ही जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया था और ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लेकर चौकी में खड़ा कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में चुनाव आचार संहिता आने के बाद सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ। आयोजन में आए हुए फरियादियों की समस्या प्रभारी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के साथ उप जिलाधिकारी कुलाण सिंह, जिले के अलग अलग विभाग से आए हुए अधिकारी व पुलिसकर्मियों ने सुनी। इस दौरान 85 प्रार्थना पत्रों में से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बाकी के 83 प्रार्थना पत्र के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। आज शासन के निर्देशों के क्रम में आचार संहिता हटने के बाद ये पहला तहसील दिवस था और इसमें आज सभी जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उन सब की उपस्थिति में टोटल 85 प्रकरण संज्ञानित हुए हैं जिनके एप्लीकेशन यहाँ पर आए हैं। उनमें से 2 का तुरंत निस्तारण कर दिया गया है। शेष के लिए अभी 2 बजे के बाद टीम गठित करते हुए उनके निस्तारण के लिए मौके पर अधिकारीगण भेजे गए हैं। आचार संहिता की समाप्ति के बाद सभी अधिकारियों को जन सुनवाई के लिए निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहकर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। बावजूद इसके अधिकांश खंड विकास अधिकारियों का जन सुनवाई के लिए कार्यालय में उपस्थित न रहने की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के दूरभाष नंबर के जरिए सभी ब्लॉकों के वीडियो को CUC नंबर पर संपर्क किया तो पता चला कि विकास खंड घोरावल, चौपन, चतरा, नगवा, म्योरपुर, बाभनी, कोम, कोरमा और दुदली के खंड विकास अधिकारियों का UG नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। एकमात्र रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का नंबर ऑन पाया गया। नंबर ऑफ वाले खंड विकास अधिकारियों की जनसुनवाई के वक्त कार्यालय में उपस्थित न रहने की भी शिकायत पाई गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनभद्र से हमारे सहयोगी शशिकांत जी फोनलाइन से जुड़ रहे हैं। शशिकांत जी, जिलाधिकारी ने जब खंड विकास अधिकारियों को 10 अधिकारियों को फोन मिलाया जिनमें से 9 के नंबर स्विच ऑफ आए हैं, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है जरा बताइए। जनता बार बार शिकायत कर रही थी, अपनी शिकायत जनता आखिर किससे करे, जब जिम्मेदार अधिकारी जो नंबर उनको सरकारी नंबर उपलब्ध है कि जनता की शिकायत सुनेंगे, जनता की समस्या को सुनेंगे, वो अधिकारी उस नंबर को ही बंद करके रखते थे। इसी का परिणाम जो है कि जनता ने जो है कि शिकायत करके जो है कि दिखा और जिलाधिकारी महोदय ने उसका जीता जागता नमूना देखा। जब उन्होंने अपने नंबर से खुद संबंधित अधिकारियों को फोन मिलाना शुरू किया तो 10 अधिकारियों में से केवल 1 अधिकारी का फोन जो है वो चालू मिला, बकिया सारे 9 अधिकारियों का मोबाइल बंद मिला। ये अधिकारी कोई दूसरा नहीं है, BDO साहब लोगों का, ये BDO का अधिकार नंबर था। ये इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपने अपने ब्लॉक में ग्रामीण स्तर के समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का निदान करें। जी मैम, शशिकांत जी, क्या ये इस बारे में कोई जानकारी है कि ये नंबर कब से बंद है? देखिए मैम, हम लोगों के भी चैनल पे तमाम तरीके की मेरा गांव मेरा देश जो प्रोग्राम के तहत इन लोगों को बार बार कभी कभी फोन मिलाए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के तो छोड़ दीजिए, आम ग्रामीणों की लोगों तक पहुंच नहीं हो पाती फोन के जरिए, संवाददाताओं से भी ये लोग दूरी बना के रखते हैं। और ग्राम विकास की अगर बात किया जाए तो विकास तो जो है वो तो है ही है, लेकिन अगर ग्रामीण स्तर की समस्याओं की सुनने की अगर बात किया जाए तो एकमात्र फोन ही होता है, क्योंकि दूर दराज में बसे ग्रामीण अपने ब्लॉक पे हर रोज मतलब अपनी समस्याओं को लेके नहीं जा सकते हैं, तो वो फोन पे मिलते हैं, क्योंकि अधिकारी मीटिंग में भी व्यस्त होते हैं तो वो फोन पे जानकारी लेना चाहते हैं कि साहब हैं कि नहीं है, लेकिन साहब तो दफ्तर में रहते ही नहीं है सर ना। तो मामला यहाँ पे आता है कि जब जिलाधिकारी महोदय के पास इस तरीके की सूचना गई तो जिलाधिकारी ने इसे संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने अपने फोन से फोन मिलाना शुरू किया और सच्चाई खुलकर सामने आई। जी मैम, तमाम जानकारी के लिए शशिकांत जी शुक्रिया आपका। आगरा में प्राइवेट
कार से स्कूटी टकराने पर युवक को बंदूक की बट से जमकर पीटा। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र के भगवान टॉकीजा चौराहे का है। पीलीभीत में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा शुरू हो गई है, जो 13 जून से 18 जून तक होगी। जो 13 जून से 18 जून तक होगी। 17 जून को ईद पर्व को अवकाश रहेगा। परीक्षा में 1050 पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। 3 पालियों में हो रही ये परीक्षा हो रही है। एक पाली में 70 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा का केंद्र शहर के सुमन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। सर, ये यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा हमारे यहाँ हुई है। इस परीक्षा में हमारे यहाँ 13 तारीख से 18 तारीख का एग्जाम है। 17 तारीख को ईद होने के कारण अवकाश दिया गया है। तीन पारी में परीक्षा होनी है। ये प्रत्येक पारी में 70 बच्चे जो है वो बैठेंगे इसके अंदर। बहुत बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, जैसे टहेड़ी के हुए, रामपुर के हुए, बरेली के हुए, ये सब बच्चे हमारे यहाँ में आ रहे हैं। रुपए की लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और हमले में दोनों पक्षों के लगभग दर्जन भर के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मेरे पैसे थे रुपये साहब। किसके किसका पैसे थे? रामवीर पे। अच्छा, फिर? और पैसे मांगने गए तो इनने रात को झगड़ा किया, शाम को 6 बजे। फिर मैंने तैरी दी अभी दो ढाई घंटा पहले यहाँ पे। अच्छा, थाने में। अच्छा, क्या समझौता है जाए? फिर आवाज जिनने कही कि इनके रिश्तेदार आए कि चलो मैं पंचायत है, जो लोग सलाह करके आए मारने, लाठी डंडा इनने कंधी में डाल ली, पड़े थे इनके। हम लोग खाली हाथ थे साहब, हम 8-10 जने थे। कितने लोग घायल हैं आपके? एटा पुलिस ने गंगा दशहरा की एटा वासियों को शुभकामनाएं देते हुए गंगा स्नान पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि यात्रा के लिए अनधिकृत वाहनों से ही यात्रा करें, ओवरलोडेड ओवर स्पीड से बचें, शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहन या ट्रैक्टर ट्राली से जोखिम भरी यात्रा ना करें। प्रशासन द्वारा यातायात संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन करके ही यात्रा करें, जिससे आपकी यात्रा सुगम हो सके। बीते दिनों हुई दुर्घटनाओं का भी उन्होंने सबक लेने का लोगों को निर्देश दिया। जनपद एटा के सभी निवासियों एवं प्यारे श्रद्धालुओं, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि 16 तारीख को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें जनपद से बहुत सारे श्रद्धालु जनपद काशगंज स्नान आदि के लिए जाते हैं। विगत वर्षों में ट्रैक्टर ट्रालियों से खतरनाक तरीके से यात्रा करने से कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें जान माल की लोगों की क्षति हुई है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि ट्रैक्टर ट्रालियों में यथासंभव। बरेली के नकटिया क्षेत्र ग्राम मंडी तलैया के पास भीषण आग लग गई। आग में झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था।
हरिद्वार में भारत स्काउट गाइड का एक दल राजाजी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा। दल में आए हुए 13 राज्यों के 192 स्कूल छात्र वन्यजीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने रायबाला से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च भी निकाला। मार्च प्रशासन के अधिकारी भी दूसरे राज्यों से आए स्काउट गाइड को पार्क और वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी। छात्र छात्राओं का कहना है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि पेड़ों की देखभाल भी करना जरूरी है। ये लीलावेरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़बंदरों का है, उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी गई है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं, उत्तराखंड में आए हुए हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो एक पेड़ काट रहे हैं तो दो पेड़ लगाएं, जिससे कि वो आगे की जनरेशन को फ़ायदा दे। पौड़ी में एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर शासन प्रशासन द्वारा हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अस्पताल ले जाने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। हादसे में अभी तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में गंभीर रूप से 7 लोगों को हेली से रेस्क्यू कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। वहीं 7 लोगों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ घेरवार खुद घायलों की देखभाल व प्राथमिक उपचार का ध्यान रख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे जिला अस्पताल में हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आज के इस तरह की घटना यहाँ पे हुई है। सब वो अधिकांश उसमें यंग लड़के हैं और कुछ का जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ को एम्स भेज दिया है। और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से उनकी हेल्प के लिए, उनके मतलब जो भी जिसको ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। और बहुत दुख आज हो रहा है कि इस तरह की घटना जब मतलब होती है। जनपद चमोली में बहुत जगहों पर पेयजल की समस्या से जल संस्थान के उपभोक्ता आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता की ओर से आम उपभोक्ताओं के साथ पानी की शिकायत करने पर बदतमीजी की शिकायतें भी आ रही हैं। तो आसानी से समझा जा सकता है कि जल संस्थान का निचला स्तर कितना खत्म होगा। इसी संदर्भ में आज जल संस्थान की मनमानी के खिलाफ नारायण बगड़ के जनता ने जल संस्थान के कार्यालय में तालाबंदी की। 10 दिन से पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है, ना ही यहाँ पे पानी आ रहा है। और पीने के लिए तो यहाँ वर्षों से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम धारा पे जाते हैं। और जो नहाने के लिए यहाँ पे पानी आ रहा है, अन्य पानी काम के लिए जो पानी आता था वो भी आजकल 10 दिन से बंद है। इसके लिए हमें बड़ी समस्या है, इसलिए हम आज जल संस्थान पर आए हैं और तालाबंदी की हुई है। और उसके यहाँ सुचारू करने हेतु यहाँ पे हमने तालाबंदी की है। गाजियाबाद थाना ट्रानिका सिटी इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग 3 मंजिला फैक्ट्री के ऊपर फ्लोर तक फैल गई। फैक्ट्री में पैकेजिंग संबंधित काम होता है, ऐसे में पैकेजिंग में काम आने वाले सामान और केमिकल के ड्रम ने तेजी से आग फैल गई। दमकल विभाग की टीम को सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हाईवे पर कार धू धू कर जलने लगी, जिससे नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कार चालक ने किसी तरह कार से बाहर निकला और फायर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। क्या नाम है आपका? अंकुर चौहान। अरे चौहान जी, क्या हुआ है, किस प्रकार आग लगी इस गाड़ी में? ऑफिस से निकला था कौशाम्बी से। हाँ जी, एचडीएफसी में जॉब करता हूँ। हाँ जी, क्रॉसिंग रहता हूँ। 7-8 किलोमीटर गाड़ी चली थी, यहीं पे ही बस आग लगने से 500 मीटर पहले ही मैंने लाइट जलाई।
लाइट जला दी, गाड़ी में से धुआं निकलने लगा, जैसे बोनेट खोला एकदम आग लग गई। अच्छा ये क्या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है क्या? इंजन से आग लगी है। अलीगढ़ में युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवक पर युवती के अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर पैसे मांगने का भी आरोप है। युवक अश्लील वीडियो के सहारे युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था और जब ऐसा नहीं हुआ तो युवक ने अपने साथियों संग मिलकर युवती के घर पर जानलेवा हमला बोल दिया। पीड़ित युवती ने धमकियों से परेशान होकर कॉलेज भी जाना बंद कर दिया और पूरा मामला थाने में दर्ज कराया। 4 साल पहले एक व्यक्ति दीपक नाम के व्यक्ति के नाम से मेरी मुलाकात हुई थी। वो जलालपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे बातचीत होने के बाद में मतलब उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया 4 साल से अब तक, और मेरी फ़ोटोज़ पर्सनल वीडियोस वगैरह हैं उसके पास, और वो उसी चीज़ को धमका धमका के मेरे से पैसे की डिमांड करता है। अभी तक मैंने उसे 10,000 रुपये दे चुकी हूँ, फिर भी अब मुझसे कहता है 2,00,000 रुपये दे। अब वो कल आया था मेरे गली में और 7-8 लड़कों को लेके आया था और मतलब मारपीट की थी और गोली वोली फायरिंग वगैरह करी थी। चमोली के गांव माड़ा में भगवान बद्रीनाथ के क्षेत्र रक्षक श्री घटकाकड़ जी की 3 दिवसीय ज्येष्ठ महापूजा जेठ पूजे कार्यक्रम शुरू हुआ। भगवान बद्रीनाथ विशाल के क्षेत्र रक्षक कहलाने वाले महावीर श्री घटकाकड़ जी माड़ा घनियाल के सीमांत ग्राम माड़ा ग्राम स्थित प्रसिद्ध मंदिर के कपाट आज खुल गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। कपाट खुलने के समय हजारों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। कि मैं खुद आया हूँ उसको निरीक्षण करने के लिए, उसको सुचारू करके आपके एक्शन से भी बात की हमने, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप ये मेरे से लापरवाही तो नहीं होनी चाहिए इस गर्मी में। सुचारू कर दिया जाएगा सर, क्योंकि रोड कटिंग की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही लाइन को, नहीं तो बाकी तो सुचारू चल रही है हमारी नहीं। और इनको अभी जाके हम वही साइड पर जाके स्थल पर जाके भी इनको सूचित किया जाएगा कि बिना अनुमति के लाइन पर छेड़खानी ना करें, टूटते उसकी तुरंत सूचना विभाग को दें ताकि हम तत्काल ही उसकी व्यवस्था कर पाएं। हम तो देखो जो आपके उपभोक्ता उन्होंने आपके कार्यालय पर तालाबंदी करके तो क्या। मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती महिला की अचानक मौत होने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करते हुए स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। मौत की जानकारी मिलते ही अस्पताल के चिकित्सक वहां पहुंचे और परिजनों को शांत कराया, लेकिन परिजन अस्पताल के स्टाफ पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। 8:10 पर एक महिला इमरजेंसी में आई थी जो कि काफी गंभीर रूप से बीमार थी काफी दिनों से, और अभी सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। उसको तुरंत ही वार्ड में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे कुछ गोलियाँ जो सामान्य गोलियाँ जो सांस के मरीज को दी जाती हैं वो दी गई थी। इसी दौरान में उसकी 8:30 के आसपास मृत्यु हो गई है। तो उसके परिजनों से बात हो गई है और उनसे कहा गया है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा दें, जांच करा करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में बाइक निकालने पर एक युवक के ऊपर कीचड़ पड़ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हो गई। पथराव होने में 2 समुदाय के 1 दर्जन लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CSC कोथावा में भर्ती कराया, जिनकी गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। थाना बेनीगंज के कल्याणम गाँव में कल शाम को 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें CSC भेजा गया जहाँ उनका उपचार चल रहा है। अभियोग पंजीकृत किया गया है, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। घटना का कारण जो प्रकाश में आया कि कल एक पक्ष के लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और सड़क पर कीचड़ होने से कुछ कीचड़ दूसरे पक्ष के लोगों पर पड़ गया, जिसमें उनमें कहासुनी हुई और बाद में मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है।
ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job.